हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोस्टकार्ड। मेरा नाम है राजेश पवार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉइस वाइब के बारे में, 5 वोट के एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में जो फाइनली नॉइस ने अपना फर्स्ट ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में उसी के फीचर्स, स्पेक्स एंड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करना है यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे और इतना सपोर्ट तो बनता है। सो गाइस, फाइनली नॉइस कंपनी ने अपना पहला ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च कर दिया है और काफी यूनिक डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा, काफी सस्ता मिलेगा और काफी अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ मिलने वाला है। तो अब यहां पर एक बहुत अजीब सी लड़ाई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो बोट कंपनी है उसने स्मार्ट वॉच लॉन्च करके कंपीट करना स्टार्ट किया नॉइस के साथ। अब नॉइस ने ऑडियो डिवाइसेस नए लॉन्च करके कंपीट करना स्टार्ट किया है बोट के साथ। तो काफी एक दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, दिलचस्प, ठीक है। सो गाइस, बात कर लेते हैं नॉइस के नए ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जिसको नाम मिला है नॉइस वाइब 5 वोट ब्लूटूथ स्पीकर। तो डिजाइन की बात करें तो रग्ड फिनिश आपको देखने को मिलेगा, टॉप पे मिल जाएंगे आपको इसके बटन्स जिसके थ्रू प्ले पोज प्रीवियस नेक्स्ट आप सॉन्ग्स को कर सकते हैं, कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इवन यहां आपको एक माइक मिल जाता है जो कॉलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, गूगल असिस्टेंट और सीरी के लिए। और इसके साथ आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड रोज कलर। तो ये 4 कलर में अवेलेबल होने वाला है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फीचर्स के बारे में बात करने से पहले बता दूं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, ये आपको क्यूबिकल शेप में देखने को मिलेगा, काफी बड़ा भी ये लग रहा है। और कंपनी क्लेम करती है कि दिस इज लाउड इनफ फॉर अ स्मॉल पार्टी, एक छोटी सी पार्टी के लिए बहुत लाउड है, अच्छे से सुन सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रंट में एक नॉइस का लोगो भी मिल जाता है जो अट्रैक्शन को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो अब बात कर लेते हैं फीचर्स वगैरह इसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए। तो गाइस, जो स्पीकर है वो 5 वोट के स्पीकर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो काफी लाउड साउंड प्रोवाइड करवा देते हैं। और यहां मैं बता दूं कि जो ड्राइवर साइज है, ऑडियो ड्राइवर साइज है, वो 40mm के ऑडियो ड्राइवर्स यूज किए गए हैं जो कि डायनामिक है, तो आपको गूंज भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो जो बेस है आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा सुनने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं टोटल प्लेबैक टाइम की। तो 9 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम आपको मिल जाता है जब आप 70-80% वॉल्यूम के साथ इसको सुनते हैं। और गाइस, मैं बता दूं कि इसके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट दे रखा है वो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है। वैसे प्राइस रेंज में देखे तो जरूरी भी नहीं है, और फुल चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो यहां एक जो खास फीचर मिल जाता है वो ड्यूअल कनेक्टिविटी का मिल जाता है, 2 स्पीकर को भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो जो नॉइस वाइब के 2 स्पीकर्स हैं उनको आप आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हो, और जब सॉन्ग आप इस पे चलाओगे तो ऑब्वियसली 2 स्पीकर चल रहे तो जो साउंड का इफेक्ट होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे आपने भी कभी ये प्रैक्टिकल किया होगा कि एक जगह 3 से 4 मोबाइल को रख कर 8 टाइम जब आप म्यूजिक ऑन करते हो तो कैसा फील होता है, तो वो वाला थोड़ा फील मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा फीचर इन्होंने इंक्लूड किया है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो IPX7 की रेटिंग मिली है, तो पानी वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइज, आपको यहां मिल जाते हैं 4 प्लेइंग मोड मिल जाते हैं, आप ब्लूटूथ के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, FM रेडियो आप इसमें यूज कर सकते हैं जो मुझे यूनिक लगा, इवन SD कार्ड का पोर्ट भी मिल जाता है, तो जो आप कार्ड में जो स्टोर्ड है म्यूजिक उसको आप एंजॉय कर सकते हो जब भी चाहो। और इसके साथ आपको मिल जाता है ऑक्स केबल का भी ऑप्शन। तो गाइज, कॉलिंग पर्पज की बात करें तो माइक अवेलेबल है, तो जब भी कॉल आता है तो कॉल जैसे ही आप पिक करते हो अपने मोबाइल के थ्रू और डिस्टेंस बना के भी आप बात कर सकते हैं, बट जो रेंज है वो 10 मीटर ही है, तो इवन अच्छे से बात करने के लिए थोड़ा सा कम डिस्टेंस होना चाहिए। तो हैंड फ्री कॉलिंग हो जाती है और काफी अच्छे से हो जाती है। गूगल और सीरी दोनों दे रखे हैं असिस्टेंट, जिसके थ्रू आप हल्का फुल्का इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वेट की बात करें तो 300 ग्राम्स के आसपास है, तो काफी कॉम्पैक्ट है, इतना भी भारी नहीं है, तो इजीली आप ट्रेवल करते टाइम या वॉकिंग करते टाइम नॉर्मल
तो वहां पर आप इसको लेके जा सकते हैं और अपना जो म्यूजिक है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन यूज किया है जो काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको दे देता है, 10 मीटर रेंज मिल ही जाता है और इसके साथ आप इसको एंड्रॉइड और iOS जो डिवाइसेस है उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और ब्लूटूथ के काफी सारे कोडेक भी इसमें मिल जाते हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो जो प्राइस टैग है वो 3,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी जो प्राइस सेल प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगी 1499, तो 1500 रुपए। तो गाइस 1500 रुपए में इतनी सारे फीचर्स मिल रहे हैं वो भी नए और अपग्रेडेड, तो मेरे हिसाब से 1500 रुपए में ये जो फीचर है काफी काफी कूल है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं यदि आपको परचेज करना हो। तो ये अब बोट कंपनी के जो इस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, स्पीकर्स हैं, तो उसको टक्कर देने वाला है, बट अब थोड़ी टेस्टिंग बाकी रहेगी, तो अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे तो पता चलता है चलेगा कि क्या कुछ वाकई जो कंपनी क्लेम करती है वाकई वो उतना सटीक है या नहीं। तो गाइज ये था नॉइस वाइब 5 वोल्ट ब्लूटूथ स्पीकर। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ना यार, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं एक यूनिक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।